बुरुंडी एक बेहद नाखुश और हद से ज्यादा खतरनाक देश, जो किसी भी अन्य देश से इसे अलग करता है। यहाँ की भाषा, रहन-सहन, खान-पान, पहनावा, संस्कृति, धर्म, हर चीज बहुत अलग है। एक बहुत ही गरीब देश जहाँ आए दिन अलग अलग तरह की बीमारियाँ फैलती रहती हैं। घबराइए मत, मैं सिर्फ आपको इस देश के बारे में जानकारी दे रही हूँ, घूमने जाने के लिए बिल्कुल नहीं कह रही। बस वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखें। इस देश का ऑफिशियल नाम है रिपब्लिक ऑफ बुरुंडी, जिसका कुल क्षेत्रफल 27,830 वर्ग किलोमीटर है। यहाँ की कुल पॉपुलेशन करीब 1,20,00,000 के आसपास है। ये एक युवा देश है। यहाँ रहने वाले ज्यादातर लोगों की उम्र 18 से 20 के बीच है। ये देश इतना गरीब है कि यहाँ लोगों के पास खाने को भी नहीं है। अगर एक टाइम का खाना खा लिया तो शायद दूसरे दिन ही कुछ मिलेगा। यहाँ लोग सर्वाइवल के लिए जीते हैं। बुरुंडी अफ्रीका का एक लैंडलॉक देश है, यानी कि चारों तरफ से इसका बॉर्डर किसी न किसी देश से जुड़ा है, जैसे रवांडा, तंजानिया और कॉन्गो। इस देश को 1962 में बेल्जियम से स्वतंत्रता मिली थी। यहाँ की ज्यादातर पॉपुलेशन गांव में रहती है और 90% लोग खेती पर निर्भर हैं। इस देश का नेशनल गेम फुटबॉल है और यहाँ की दो ऑफिशियल लैंग्वेज हैं, फ्रेंच और किरुंडी। यहाँ जो करेंसी चलती है वो है बुरुंडियन फ्रैंक। लगभग 27 बुरुंडियन फ्रैंक हमारे 1 रुपए के बराबर है। यहाँ की मुख्य नदियाँ मलागासी, कन्यायु, रूवबु और रसिज हैं, जबकि मुख्य झीलों में रावरो और कोहाहा शामिल है। यहाँ का सबसे ऊंचा पर्वत माउंट हेहा है, जिसकी ऊंचाई 2670 मीटर है। यहाँ का सबसे फेमस वाटरफॉल केगेरा फॉल्स है, जो रोटाना में स्थित है, जिसकी ऊंचाई लगभग 262 फीट है। इस देश की कैपिटल बुजुम्बरा थी, जो अब यहाँ की फाइनेंशियल कैपिटल बन चुकी है। 22 जनवरी 2018 से गितेगा को इस देश की नई राजधानी घोषित किया गया है। बुरुंडी में त्वा, हुतु और तुस्ती जाति के लोग सबसे ज्यादा रहते हैं। इस देश का फाइनेंशियल और पॉलिटिकल कंट्रोल भी तुस्ती जाति के लोगों के पास है। ये अफ्रीका का एक ऐसा देश है जहाँ पर लोग काफी तादाद में HIV एड्स का शिकार हैं। यहाँ यौन शोषण भी काफी ज्यादा होता है और बच्चों से जबरदस्ती काम करवाया जाता है। अगर यहाँ की गंदगी की बात करें तो दुनिया के सबसे गंदे देशों की सूची में बुरुंडी का नाम काफी ऊपर है। यहाँ पर महिलाओं की हालत भी बहुत खराब है। उन्हें अकेले घर से बाहर जाने की इजाजत नहीं है, क्योंकि अकेले देखकर उनके साथ वो सब किया जाता है जिसके बारे में सोचकर हम और आप डर जाते हैं। यहाँ के लोग गाय को मारकर उसे खा लेते हैं और गाय की सींग को अपने घर के बाहर मिट्टी से चिपका देते हैं। उनका मानना है ऐसा करने से उनकी किस्मत चमक जाएगी, लेकिन हम मानते हैं कि बुरुंडी के लोगों को सबसे ज्यादा शिक्षा की जरूरत है, जिससे वो बाहर जाकर दुनिया को देख सकें और अपने देश का विकास कर सकें।